Do you remember how you held me thin? Now you got me reaching out. हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरी इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशंस। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक्स रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो थंबनेल देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई बात किस टॉपिक पे होने वाली है। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है उस पे। और इससे रिलेटेड मैंने दो वीडियो पहले भी बनाई हुई है, तो अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरी वो दोनों वीडियो देख सकते हैं, वो आपको आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगी। मैं उसका लिंक यहाँ पे डाल दूंगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको पता है कि प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो 15 मई तक की एक्सटेंड की गई थी और अब 15 मई आने वाला है। आज 11th हो चुका है, तो 15 मई के बाद में क्या आप अपने व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? तो इसी टॉपिक से रिलेटेड मुझे मेरे व्यूअर जो हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कमेंट में, तो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है कि आप 15 मई के बाद में व्हाट्सएप इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, यहाँ पे आपके इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को इस छोटे से इंट्रो के साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है जिसमें आपके डेटा को लेकर के काफी ज्यादा जो है यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, जिसमें आपका जो डेटा है वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि WhatsApp क्लियरली कहता है कि मैं ये सारे डेटा जो है मैं इस्तेमाल करूंगा, आपका जो सारा डिटेल है वो मैं अपने पास सेव रखूंगा। हालांकि वो उस डाटा को दूसरे के साथ शेयर नहीं करेगा, लेकिन ये कब तक शेयर नहीं करेगा, हो सकता है आगे चलकर ये शेयर कर दे। तो ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि WhatsApp इस्तेमाल करे या ना करे। तो यहाँ पे मैं दो जवाब दूंगी। पहला, आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे कोई भी अपना पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकते, जैसे आपके बैंक अकाउंट का डिटेल आप शेयर नहीं कर सकते, या फिर आपकी जो बातें वो नॉर्मली होती हैं जो कि किसी को पता चल भी जाए तो भी ऐसी कोई भी दिक्कत वाली नहीं है, तो आप डेफिनेटली व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो बात है वो कॉन्फिडेंशियल है, आप बहुत ही अंदरूनी चीजें शेयर करते हैं व्हाट्सएप में, या बहुत ही ऐसी जो है मेन टॉपिक्स है वो शेयर करते हैं, तो फिर व्हाट्सएप आपके लिए अच्छा नहीं है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप व्हाट्सएप को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। दूसरी और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, जिसके लिए काफी ज्यादा लोग परेशान है, कि 15 मई के बाद में क्या व्हाट्सएप यहाँ पे बंद हो जाएगा, क्या व्हाट्सएप आपके अकाउंट को डिलीट कर देगा अपने एप्लीकेशन से? तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है अभी तक सामने में। यहाँ पे 15 मई के बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो भी आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर पाएंगे, अगर आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं फिर भी आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन टाइम टू टाइम व्हाट्सएप आपको नोटिफिकेशन भेजता रहेगा कि आपने अभी तक प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की है, तो कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। इस तरह से आपको जब भी आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे आपको टाइम टू टाइम वहां पे आपका नोटिफिकेशन गिरता रहेगा, पॉपअप आपको शो होता रहेगा कि टर्म्स एंड कंडीशन है, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। आपको वहां पे स्किप का ऑप्शन भी आएगा, आपको उसे क्रॉस भी करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। लेकिन जब भी आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे, ये मैं बात कर रही हूँ 15 मई के बाद का, तो उस समय आपको टाइम टू टाइम, हर समय नहीं, टाइम टू टाइम जब भी उसका दिल करेगा आपको पॉपअप शो करेगा कि आपने अभी तक प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं की है, कर लीजिए, कर लीजिए, और बहुत सारी टर्म्स कंडीशन आपको दिखाएगा। 15 मई के बाद भी आप व्हाट्सएप चला पाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अगर 15 मई के बाद भी व्हाट्सएप चलेगा बिना प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट किए हुए, तो फिर किस बात की झंझट, आप यही सोच रहे होंगे। तो मेरी बात अब ध्यान से सुनिए, अगर आपने 15 मई से पहले प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया है और आप सोच रहे हैं कि 15 मई के बाद भी ये इसी तरह से चलता रहेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। प्राइवेसी पॉलिसी को सोच समझ करके ही बनाई गई है। तो अगर आपने प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया तो 15 मई के बाद आपका व्हाट्सएप तो चलेगा, लेकिन आपको मैसेजेस आते रहेंगे कि आपने प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की है, तो आपका जो है मैसेज वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ से हटा दिया गया है, या फिर आपका इमोजीज वाला ऑप्शन है वो हटा दिया गया है, या फिर आप वीडियोस जो इतना MB से कम भेज सकते हैं इससे अधिक नहीं भेज सकते, मतलब इस तरह से आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे कमी धीरे धीरे करता जाएगा व्हाट्सएप। जैसे कि अभी आपको पता है कि व्हाट्सएप में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, फोटोज वगैरह सेंड करना, पैसे वगैरह सेंड करना, जो भी डॉक्यूमेंट है वो
सेंड करना, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की तो 15 मई के बाद में क्या होगा कि आपका जो सर्विस है उसमें कटौती कर दी जाएगी। कभी हो सकता है आपका मैसेज जो है वो डिसेबल कर दिया जाए कि अभी आप मैसेजेस भेजने के लिए लायक नहीं है, आप इतने वीडियोस भेजने के लायक नहीं है, इस तरह से कट करता जाएगा। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आपने यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं की तो आज आपका ये कम कर दिया गया है, फिर आज आपका वो कम कर दिया जाएगा। इसी तरह से जितने भी सर्विसेस हैं व्हाट्सएप की, उसमें से धीरे 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 आपको कट करता जाएगा व्हाट्सएप। मतलब उनका कहना यह है कि या तो सह लो जितनी सारी चीजें हैं जो वो मैं दे रहा हूँ, या तो सह लो या फिर व्हाट्सएप छोड़ के चले जाओ, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप व्हाट्सएप को लीव कर सकते हैं। मतलब वो आपको डायरेक्ट निकालेगा नहीं, लेकिन आपको जो है सर्विस देना कम कर देगा, आपको लिमिट में डाल देगा। उसे पता चल जाएगा भाई कि आपने यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं की है फिर भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाट्सएप, तो वो लिमिट डालना चालू करेगा। धीरे धीरे आप हो जाएंगे बोर और फाइनली आपके पास ऑप्शन बचेगा दो, या तो प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर ले या फिर व्हाट्सएप पे से आप छोड़ दे, उसे आप इस्तेमाल ना करें। तो ये है बात, 15 मई के बाद भी आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आपने प्राइवेसी पॉलिसी जो है एक्सेप्ट नहीं की है फिर भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है आपकी जो सर्विस होगी वो व्हाट्सएप धीरे 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 कम करता जाएगा। मतलब आपको प्रेशर देता जाएगा कि प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करो या फिर आप व्हाट्सएप छोड़ दो। तो अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई करना क्या है। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो सारी चीजें नॉर्मल आपको मिलेगी, और अगर आप नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो यही सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो है व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर नहीं कर रहा होगा, लेकिन आगे फ्यूचर में हो सकता है कि आपके डिटेल को शेयर करे और फेसबुक आपको भर भर के आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको एड्स दिखाए, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर आपको अपनी प्राइवेसी बहुत ज्यादा मतलब मायने रखती है आपके लिए, आप सेफ रखना चाहते हैं, तो फिर आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल मत कीजिए, आप प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट मत कीजिए। लेकिन अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आगे चल करके आपके साथ क्या होने वाला है ये भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, अगर आपको नॉर्मल इस्तेमाल करना है व्हाट्सएप का तो आप डेफिनेटली इस्तेमाल कीजिए, इसे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली है कब की, और अभी तक फिलहाल मुझे कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आई है, लेकिन जैसे ही मुझे यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए अभी तक मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। तो बस यही थी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए और पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, आपको मन करता है तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।